कहाँ गिरा, कहाँ गिरा? इधर ही गिरा, तार में गिर गया कहीं? हाँ, आज गए 1,00,000 रुपए। पॉइंट तो भी सही था। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है लवर, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल राइडर लव जाट। तो भाई मैं हूं अपनी आदि कैलाश की यात्रा में और ये डे 4 है। और भाई रात यहां पर काफी ठंड थी, देख रहे हो आप, मैंने जैकेट वगैरह डाल लिए सुबह सुबह उठ करके क्योंकि ठंड लग रही थी। और ये था मेरा कैंप जहाँ पर रात मैंने कैंप लगाया था और इसी कैंप के अंदर मैं रात सोया था। और ये एक गाँव है और गाँव में मतलब किसी का घर है, उनके घर की छत पर हमने ये कैंप सेटअप किया हुआ है। तो आज की जो अपनी राइड होने वाली है वो होने वाली है यहाँ से सीधी धारचूला के लिए, जो कि लगभग 200 से 250 किलोमीटर के आसपास होगी। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ के आपको फटाफट बढ़िया से ड्रोन शॉट। कहाँ गिरा, कहाँ गिरा? इधर ही गिरा, तार में गिर गया कहीं? तो बार कनेक्ट हो जा भाई, कनेक्ट नहीं हो रहा। जल्दी भाग, जल्दी भाग, दौड़ दौड़ दौड़। लेट हो गया, मुझे लग रहा है आज गए 1,00,000 रुपए। भाई देखो, देख तो रहा हूँ, जीपीएस के थ्रू मिल गया तो मिल गया, क्योंकि हम ड्रोन उड़ा रहे थे और उधर ना कोई एक्सटेंशन वायर थी उसकी वजह से ना डिस्कनेक्ट हो गया। जल्दी भाग, जल्दी भाग, जल्दी भाग, अगर मिल गया तो लगता नहीं मिलेगा। तो भाई जल्दी भाग भाई ऊपर। तो भाई ड्रोन वालों का हालत ऐसी होती, देखो वो गिरा साथ, वहां देख उधर, उधर देख वो ड्रोन है, कोई थैली है, पता नहीं क्या है। यहाँ नीचे देखते हुए, नीचे देखते हुए कहीं ना, तेरे को दिख रहा कहीं? दिख रहा जीपीएस में आ रहा है? कितने मीटर दिखा रहा है? कितने मीटर दिखा रहा है इसमें? कितना दिखा रहा है? 114 मीटर। इधर को कभी, इधर को अभी, इधर को है वो, ये पड़ा है। उठा गया बेटे, यहाँ तो अच्छा घर नहीं है किसी का, ये पड़ा हुआ है। देखो भाई ये पड़ा, इसके ये पंखे तो नहीं होंगे दोबारा से? ना ना, ऑफ कर दे भाई साहब। चल मिल गया, अच्छी बात है। मोटर चल रही है इसकी अभी? मोटर चल रही, खराब तो नहीं हुआ? हाथ हाथ काटेगा, हाथ काटेगा, हाथ काटेगा। नहीं, गिम्बल चल, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इसे पकड़ो। कैसे बंद हुआ? लाख लाख शुक्र है यार, कसम से हालत खराब हो गई थी भाई साहब। अगर नहीं मिलता ना तो सच बता रहा हूँ, मतलब मेरे ना इस टाइम पे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहे हैं। अच्छा खासा उड़ता 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 अचानक से कंट्रोल भी नहीं हुआ, सीधा पट नीचे। या तो ये एक्सटेंशन वायर की वजह से, या ना सामने ये टावर दिख रहा है ना, कि रडार पटार में कुछ मैटर हो सकता है जिस वजह से ये पट नीचे गिरा। वो तो अच्छा है कि मैं ढूंढता ढूंढता यहाँ तक आ गया, अपने उसमें फ़ोन में देख के कि इसकी लोकेशन को तलाशते तलाशते यहाँ तक पहुँच गए और पड़ा हुआ मिल गया भाई। नहीं तो आज गए थे 1,00,000 रुपए का सत्यानाश हो गया था, 1,00,000 रुपए पक्का था नुकसान। देख रहे हो भाई, लोग बाग ना बोलते हैं ना, हवाबाजी बहुत करते हैं कि हमें टेंशन नहीं होती। भाई टेंशन नहीं होती, देख रहे हो चप्पल जूते कुछ नहीं पहन के आया, भगाया मैं नंगे पैरों, या नंगे पैरों में ना ये क्रिंक रोड वगैरह बहुत चुभ रही है। सो गाइज, ये वीडियो क्लिप उन लोगों के लिए है जो ना ये बोलते हैं कि आप कैंपिंग तो करते हो लेकिन फ्रेश वगैरह कैसे होते हो, क्या करते हो, कैसे करते हो। तो भाई देखो, इस तरह से ना सुलभ शौचालय कई जगह मिल जाते हैं, और अगर इस तरह से ना मिले तो भाई होटल्स हैं, होटल्स पे जा सकते हो, किसी भी होटल पे जा सकते हो। दूसरा, आपके पास में ना सबसे बढ़िया ऑप्शन है पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप पे जा सकते हो। तो हम ऐसा नहीं है कि कहीं भी खुले में शौच कर देते हैं, नहीं, या तो पेट्रोल पंप या होटल या कहीं ना कहीं सुलभ शौचालय मिल जाते हैं। हर चीज़ का ना सॉल्यूशन होता है, बस ढूंढने की देरी होती है। यहाँ तो फ्रेश भी हो गए, कपड़े भी चेंज कर लिए और एक चॉकलेट भी लाया मैं खाने के लिए, थोड़ी सी एनर्जी आती रहेगी और यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस फाइनली कैम वगैरह मैंने सब कुछ समेट दिया, अब सीधे इसको सामान को लोड करते हैं बाइक के ऊपर और निकलते हैं। तो चलो भाई फाइनली देखो, सारे का सारा सामान वगैरह मैंने लोड कर दिया, स्लीपिंग वैगन की बाइक पे बांध दिया रोहित भाई की, और बाकी सामान अपनी बाइकों पे बांध लिया है।
और हम हैं रेडी निकलने के लिए। यहाँ से धारचूला जो है, सॉरी जो पिथौरागढ़ है, वो लगभग लगभग है यहाँ से 90 से 95 किलोमीटर, और फटाफट हमें पहुँचना है वहाँ पे। बाइक की सर्विस वगैरह करानी है, कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है, और फिर निकलना है हमें आगे धारचूला के लिए। तो फटाफट बैठते हैं बाइक पर और निकलते हैं। चलें जी, चलो। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, बोल शंकर भगवान की जय। और अभी ना मेरे को देखो, बाइक में ना वो भी डलवाना है, पेट्रोल लास्ट बचा है। और जब से मैं घर से चला हूँ, इसकी 2 बार टैंक फुल करा चुका हूँ मैं, 1000-1000 रुपये का, मतलब 2000 रुपये का मेरा पेट्रोल अभी तक लग चुका है, अभी और लगना बाकी है। तो पेट्रोल तो अभी काफ़ी ज़्यादा पी रही है, क्योंकि इसकी भी फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है। एवरेज वगैरह जो निकलेगा उसके बाद निकलेगा। अरे भैया, पता नहीं क्या चल रहा है। जी का कोई पूजा चल रही है, कलश यात्रा। अच्छा, कहाँ तक जाएगी? मंदिर है कोई आगे? मंदिर है। अच्छा, तो भाई यहाँ पर ना कोई कलश यात्रा निकल रही है, ये देखो। ये था छड़ोजा, छड़ोजा गांव था। वहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं भाई, क्योंकि यार रात हम बोल रहे थे कि यार, उन्होंने बोला कि बारिश पड़ रही है, क्यों जा रहे हो, यहीं लेट जाओ, यहीं आराम करो। तो हम भी बेसरम है, हमने मिनट से पहले अपना कैंप निकाला और गाड़ दिया। निकलते निकलते फिर भी हमें 10:30 बज ही गए, बट पहुंच जाएंगे टाइम से। जाके इस पर यहाँ से 32 किलोमीटर रह गया है भाई। लेकिन आज, हाँ ये है कि आज किसी भी हालत में ना हमको पहुंचना है, क्योंकि वहाँ से आने के बाद में ना भाई एक लंबी राइड की प्लानिंग करनी है बहुत तगड़ी। और वो तगड़ी क्या यार, मेरे ख्याल में जहाँ तक है, अब मेरी राइड जो कंटिन्यूसली होगी वो 4 महीने की होगी लगभग, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। अब वो 4 महीने की कहाँ कहाँ की कैसे कैसे होगी वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। अभी तो मैं इसे आदि कैलाश इसलिए आया था मैं, एक तो मतलब मैं आदि कैलाश पिछली बार ना ओम पर्वत करके ही रह गया था, मैं आदि कैलाश जा नहीं पाया था। और दूसरी चीज़ है कि इसके ना जो किलोमीटर्स हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे और पता भी चल जाएगा कैसी चलती है, और मैं रिव्यू दे सकूंगा लोगों को जाने से पहले, इस वजह से मैं आया हूँ। अच्छा हुआ यार रात हम नहीं आए, मतलब कल इस रूट पे नहीं आए, वरना यार ये नज़ारे, ये रोड और ये खूबसूरती मिस कर देता मैं, क्योंकि अंधेरा हो जाता, दिन छिप जाता, दिन छिपने के बाद कुछ दिखता नहीं, सिर्फ लाइट, चारों तरफ का कुछ नहीं दिखता। देखो कितने प्यारे प्यारे व्यू हैं यार, ओए होए। तो भाई देखो, ये वाला रास्ता जा रहा है इधर जागेश्वर, और ये जा रहा है घाट, दानिया और पिथौरागढ़। ये वाला रूट जाएगा, इस रूट से हमें जाना है। और अभी देखता हूँ पेट्रोल कहाँ मिलेगा। ओए होए, क्या लोकेशन आई है भाई, आ हा 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 हा
देवदार ही बोलते होंगे भाई साहब, क्या मस्त लोकेशन है यार। ऐसा मतलब मुझे एकदम से फील पता कैसी आई, जैसे मैं अचानक से मनाली में एंटर कर गया हूँ भाई साहब, एक नंबर कहने भाई। फाइनली भाई पेट्रोल पंप मिल गया, पता नहीं पेट्रोल डाल रहे होंगे ये या नहीं डालेंगे। डालेंगे भाई डालेंगे, चलो ये भी अच्छा है। तो जी पेट्रोल वगैरह भी हमने डलवा लिया इसके अंदर, और पेट्रोल आया इसमें 10.5 लीटर 1000 रुपये का। तो अब देखते हैं और कितना चलती है ये, 706 किलोमीटर चल चुकी है यहाँ से, अभी देखेंगे और कितना चल जाएगी। अभी तक मैं इसका 706 किलोमीटर चली है ना, 707 किलोमीटर, तो मैंने इसका 1, 2, 3 चौथी बार में पेट्रोल के लिए इसका टैंक फुल करा रहा हूँ भाई। तो भाई हम सोच रहे हैं यहाँ से ना कुछ फल वल ले लें और आगे बैठ के कहीं पेड़ की छाँव में किसी पहाड़ के किनारे आराम से काट के खाएंगे। देखते क्या क्या ले सकते हैं, इनके पास में खीरे हैं, तरबूज है, पपीता है, सेब है, केले हैं, सब है। तो भाई जहाँ फ्रूट वाले की दुकान पे रुके थे ना, वहाँ से हमने फ्रूट तो नहीं खरीदे क्योंकि वो लग रहे थे ऐसे ही ले। हमने खरीदा था खीरा, और हमारे पास में थी पहाड़ी नमक, और इन्होंने जो बनाते हैं उस तरीके के ये रखे थे उसमें। और अभी हमने ना एक थाली मंगवाई है, वेज थाली, खाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। सो भाई लोग फाइनली देखो मैं पहुंच चुका हूँ एक ऐसे रास्ते पर जहाँ से ना 2-3 रास्ते कटते हैं। ये है पाताल भुवनेश्वर के लिए, ये रास्ता जाता है ठीक है, और राइट जब हम जाएंगे यहाँ से जाएगा पिथौरागढ़ के लिए, और घाट यहाँ से रह गया है 8 किलोमीटर। तो आपका आपको जो पहुँचना है ना, अगर आप भी आ रहे हो मेरी तरह देख करके आ रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको मैप लगाना सीधा घाट का, और घाट से सीधे पिथौरागढ़। तो ये लो जी
फाइनली पहुंच गए हम पिथौरागढ़। भाई साहब ये तो बहुत बड़ा शहर है यार, देखियो दूर दूर तक देखो बिल्डिंग्स घर सब चीज दूर दूर तक दिख रही है यहाँ से। तो भाई लोग मुझे ना बाइक की अपनी की सर्विस करानी है, क्योंकि ये 800 किलोमीटर के आसपास ये चल चुकी है। पहली सर्विस जो होती है 800 से 1000 किलोमीटर पे होती है। तो मैं पहले ना सर्विस के लिए जा रहा हूँ और मैंने मैप लगा लिया है सुजुकी का। देखते हैं भाई कहाँ मिलता है। मैप तो हमेशा मुझे वैसे धोखा ही देता है। सर सुजुकी की बाइक की सर्विस करानी थी। वो है आपकी वी स्ट्रॉम। हाँ जी हाँ जी। जो वी स्ट्रॉम है आपका कौन सी सर्विस है इसकी? फर्स्ट सर्विस अपनी बाइक की ना फर्स्ट सर्विस होने के लिए आज जा रही है और ये होगी आज पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में ये सुजुकी का शोरूम है। तो भैया लेकर के जा रहे हैं अंदर ऐसे की ऐसे ही, क्योंकि देखो धुलाई वाला तो है नहीं इनके पास में अभी। तो हम क्या कर रहे हैं अभी इसका ऑयल चेंज करा ले रहे हैं और इसकी चैन क्लीन वगैरह सब करा के और फिर निकलते हैं धारचूला के लिए। ऑयल तो भी सही था, मैंने ना 800 किलोमीटर भी नहीं चली, फर्स्ट सर्विस पहले ही करा दी। अभी दिखाता हूँ कितने किलोमीटर चली है। 774 किलोमीटर चली है और मैंने इसकी सर्विस करा दी 774 फर्स्ट सर्विस इतने भाई। तो चलो भाई फाइनली सर्विस वगैरह भी कंप्लीट हो गई। और सर्विस की कॉस्ट कितनी आई है, क्या 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 इसमें हुआ है वो सब मैं आपको बताऊंगा एक स्पेशल व्लॉग अलग से, जब मैं बाइक की पूरी पूरी सीरीज बनाऊंगा ना इसमें कितने रुपए की सर्विस कॉस्ट है और क्या मतलब मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशन कराई है, क्या क्या करा रखा है और कितने की पड़ी है और क्या कराने वाला सब कुछ बताऊँगा वो स्पेशल अलग लोग में। तो जी रास्ते के लिए हमने ना काफ़ी सारे फ्रूट्स ले लिए हैं, उनकी ना हम फलों की चाट बनाएंगे। फलों की चाट, फ्रूट चाट बोलते हैं ना इंग्लिश में, बोले तो फ्रूट चाट नहीं तो फलों की चाट। तो भाई पिथौरागढ़ से तो हम निकल करके आ गए हैं और वहाँ से ना हमने कुछ फ्रूट्स वगैरह लिए थे जिनकी ना हम यहाँ पर इस जगह पर फलों की चाट बनाने वाले हैं, फ्रूट चाट। तो भाई देखो ये चल रहा है अपना यहाँ पर नमक कहाँ पिज़्ज़ा वाला। हाँ यार मतलब हम मजे मजे में ना बात है। मैं काट रहा हूँ खा रहे है। तुम्हारा काम काटने का है। सही से मिलाओ, सही से पैसे नहीं दूंगा थोड़े से भी नहीं। नमक बचा के रखा, अभी खीरा खाना रात को। अभी तो पपीता भी बचा हुआ है भाई। अभी पपीता खीरा हमने अभी रख रखा है बैग में और वाटरमेलन यानी कि तरबूज हमने काट लिया है। तो भाई लास्ट टाइम ना हमने अपना कैंप यहाँ पर लगाया था इस वाले इसमें यहाँ पर अपना कैंप लगाया था और मेरे साथ जो बंदा आया था जब हम धारचूला से आ रहे थे उसकी बाइक क्रैश हुई थी इस जगह पे। इत्तेफाक देखो इसी जगह पे हमने इधर से जाते हुए लगाया कैंप और जब हम उधर से आ रहे थे ना तो उस बंदे की बाइक भी यहीं पे क्रैश हुई। बाकी देखना ये है कि हम आज धारचूला पहुंचेंगे भी या नहीं। देख रहे भाई कैसे कैसे रोड है, ये रोड तो कुछ भी नहीं है भाई, ये तो 0.1% भी नहीं है जहां हम जा रहे हैं उस रोड की एक्सपल्स का। और इसका एक तो नुकसान और फायदा मैं बता सकता हूँ। एक्सपल्स में ना ये पता नहीं लगता था, जैसे अब मैं यहाँ निकल रहा हूँ ना तो उसमें ये पता नहीं चलता था कि भाई कितने गड्ढे हैं, ऐसी निकली चली जाती थी एकदम टनाटन। ये थोड़ी सी उछलती है कूदती है, मतलब ये वो वाला मजा नहीं देती भाई साहब। हाँ 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 देख लेंगे क्योंकि भाई बारिश होने वाली है, बारिश में भीग जाएंगे भाई भाई। तो भाई आते आते ना रात हो गई, क्यों? क्योंकि हम रुकते 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 आते हैं ना, जहाँ के रुकते हैं वहाँ आधा एक घंटा लग जाता है हमें। हम मजे में खाते पीते हैं तब आगे निकलते हैं। तो वैसे तो हम धारचूला पहुँच गए, धारचूला से लगभग मान के चलो हम 20 किलोमीटर पहले ही है, लेकिन यार बारिश होनी स्टार्ट हो गई है थोड़ी थोड़ी। और कहा ये जा रहा है कि धारचूला में ना मतलब जो रूम्स हैं पहली बात तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि ना वो कोई सी
उनकी भर्ती वर्ती चल रही है किसी चीज़ की, तो रूम फुल हो रखे हैं। और पैसे वैसे तो भाई साहब ये समझा, ये कह रहे हैं कि जब 5,000 रुपये का रूम है, वो मतलब 500 रुपये का रूम है ना, उस रूम को 3,000-3,500 रुपये में ऐसे दे रहे हैं रूम को। सो भाई लोग फाइनली कैंपिंग की लोकेशन मिल गई है। वो कैसे मिली है वो आपको बताता हूँ। मैं ना खड़ा हुआ यहाँ पर वेट कर रहा था इस पार्क के सामने। ये एक्चुअली क्या है, पार्क है एक, वहाँ पे मैं आज अपनी कैंपिंग करने वाला हूँ। और मैंने यहाँ खड़ा हुआ वेट कर रहा था रोहित भाई का, रोहित भाई पीछे से आ रहे थे क्योंकि उनकी स्पोर्ट्स बाइक है तो वो धीरे धीरे चल रहे थे थोड़े से। तो यहाँ पर ना आर्मी कैंप है, मतलब आर्मी की जो चौकी है वो है। तो आर्मी वाले भैया आए, उन्होंने पूछा क्या दिक्कत है क्या परेशानी। मैंने कहा सर कुछ नहीं, वो एक्चुअली हम ना धारचूला जा रहे हैं तो वहाँ पर जा करके हमें रुकना है। तो उन्होंने बोला अब रात में कहाँ जाओगे, रात के 9-10 बज रहे हैं तो अभी आगे मत जाओ, खतरा है क्योंकि ना पहाड़ बीच बीच में नीचे गिरते रहते हैं, पत्थर उत्थर गिरते रहते हैं, तो आप मत जाओ। मैंने कहा सर फिर रुकने का। आर्मी वाले भैया ने बोला कि अगर आपके पास में ना कैंप वगैरह है तो मैं आपको यहाँ पर एक जगह बताता हूँ, ये पार्क है। और अगर पार्क में भी आपको ना रहना हो, अगर आपके पास में बारिश मतलब बारिश से बचने का हिसाब किया, उन्होंने पहले मुझे ये दिखाया था, देखो ये जगह देखिए ना, यहाँ पर ना अंदर एक तो वो भी है बरामदा टाइप का भी है और अंदर रूम्स भी हैं। उन्होंने बोला रूम में रुकना चाहो तो रूम में रुक जाओ, और अगर बरामदे में कैंप लगाना चाहो जहाँ आपका मन करे वहाँ रुक सकते हो। नहाने का खाने का पीने का सारा प्रबंध है, और हो सकता है अभी ना खाने के लिए भी वो हमें इनवाइट करेंगे क्योंकि वो कह रहे थे खाना बनाना मत, खाना हम अपने पास से खिलाएंगे आपको। पता है क्या, कैंपिंग तो कर लो लेकिन यार कैंपिंग में ना मुसीबतें बहुत हैं। मतलब भीड़ मुसीबत में कैंप कर लो अच्छी बात है, पैसे भी बच जाते हैं वो एक सबसे बड़ी बात है, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है लेकिन बहुत ज़्यादा। अब देखो हम ना बहुत दूर आए हैं वहाँ से, यहाँ पर तलाश रहे हैं कहीं से पानी मिल जाए हमें। तो भाई यहाँ पानी तो नहीं है, तो हम क्या सोच रहे हैं क्यों ना अपने पड़ोसियों से पानी मांग लिया जाए यार। तो पानी पता हम मांगेंगे अपने आर्मी वाले भैया से। तो भाई चलो अपना टेंट वेंट लगाने की तैयारी करते हैं, यहीं पर जगह मिली है, यहीं पर हम अपना टेंट लगाएंगे, यहाँ पर अपना टेंट लगाएंगे हम लोग। भाई कोई सांप वाप तो नहीं आएगा रात को, जानवर वानवर तो नहीं आएगा? अंदर कहाँ से घुसेगा, साइडों में रहेगा, साइडों में कपड़े लगते लगा देंगे। आएगा तो देखा जाएगा, क्यों चल बड़ा नाग थोड़ी है भाई, देखो हाँ, ये भी से पता चल रहा होगा काले वाले काले वाले जानी दुश्मन के नाग। तो भाई लोग बाइक वगैरह तो हमने देखो अपनी यहाँ पर लगा दी लाइन से, और अब हम जो कैंप का सेटअप करेंगे वो करेंगे इस जगह पर क्योंकि यहाँ पर घास वगैरह भी है, आराम से नींद आ जाएगी। तो भाई लोग जब तक ना रोहित भाई बनाते हैं मैगी, मैं तब तक ना ये फल और इसके अंदर सलाद है खीरे वगैरह वो काट लेता हूँ और फिर खाते हैं। यार थोड़ी भूख लग रही है, बहुत देर हो गई, लगभग रात के 10:30-11 बज गए होंगे ना। और जाट इसका ये फिट कर पहले माइक और चुप कर लेते और ये चावल बनाने के लिए उससे बड़ा पतीला है। और ये अगर आपको एग फ्राई कुछ बनाना है, अगर छौका लगाना है तो ये आपके लिए, ये पैन बोलते हैं ना पैन, ये भी है, मतलब काफी कुछ है इसमें। और ये और ये हमारी टेबल है, हमारे पास फोल्डेबल टेबल भी है। तो भाई ये बन के रेडी है हमारी टेबल, लाइटर है ना माचिस, कैंपिंग करेंगे ये द लाइटर ना माचिस। यार सिगरेट पीने वाला बंदा ग्रुप में होना चाहिए, बीड़ी पीने वाला होना चाहिए। एक काम करेगा उनसे मांग रहा है, गेट से मांग रहा है, लेके आओ मैं इतना काटता हूं। वो चप्पल पहनो तू लाना, मैं सलाद काटता हूं। वो आर्मी वाले तेरी बात ज्यादा, अरे बस करो ये ना चढ़ाओ मुझे आर्मी वाला और वो वाला। सुन तो ले यार मेरी 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 बात मान, मेरे जा रहा हूं भाई, जा रहा हूं। बढ़िया हटाओ यार, बढ़िया बेवकूफ हो गए, हमारा दिमाग चल गया, दिमाग कट गया हमारा। हटाइए तो ना, किसे लाइटर है क्या, इसे हटाओ तो सही। अरे अरे ये तो आउट भाई साहब, हम हमको याद भी नहीं है कि ये तो ऑटोमेटिक जलता है। ओए ओए जल्ला बंद कर, बोल सो बंद साहब, बोल सो बंद साहब, भाई साहब अब आग लग जाएगी, ना ना इसको मत जला। तो भाई जुगाड़बाजी से ना कर तो दिया चूल्हा, जो गैस का चूल्हा है ना वो खराब हो गया, उसकी ना एक नीचे की पिन टूट गई, उसमें ना ये वाली कैन रुकी नहीं रही है, तो उसे ना रस्सी से बांध बूंद के, देखो ये बरसती जा रही है, इस रस्सी से बांध बूंद के तब स्टार्ट किया है, डरते डरते वो भी कहीं आग ना लग जाए। और भाई मैगी बना रहे हैं, जब तक ये मैगी बनाते हैं मैं तब तक ना फल वगैरह काट लेता हूँ। पहले काटना, ये तो बाद में खलना है, ले इधर ले तू, तू बाद में सारे चक्कर खलना,
काट रही किसे पपीते काटने में लगाए चिक्कल खा रहा है पपीते यार मैगी का कोई भरोसा नहीं है बनना बने कब तक बनेगी तू खाल की बाल क्यों निकालने में लगा पड़ा है भाई पैसे नहीं गए पैसे गए हैं वो बात अलग है लेकिन अब उसको टाइम बहुत लग रहा है ना भाई यार तो हमें मैं क्या मुझे क्या काम है और अच्छा काम मुझे एक पीस का ये काम है मैगी का पतीरा उबल गया बधाई हो बधाई हो बधाई हाँ चल गया भाई साहब ये गैस कम नहीं होगी अब या तो बंद होगी ये फुल होगी हो जाए काम करो रुक जा